हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अभिषेक एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक वीडियोस। ओके फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आपका कोई फ्रेंड जो कि आपके एब्सेंस में आपका मोबाइल यूज़ करता है तो उसने क्या क्या टाइप करा होगा आपके मोबाइल में। फॉर एग्जांपल, वो किस भी टाइप का आपका पासवर्ड यूज़ कर सकता है या जो भी उसने टाइप कर रखा हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, किस भी टाइप के मैसेजेस, वो कौन कौन से मैसेजेस आपके मोबाइल से सेंड कर रहा है या क्या क्या टाइप कर रहा है, तो इन सबको पता अगर करना है आपको तो इस चीज़ को कैसे पता करें, ये चीज़ हम लोग देखते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा, आपको प्ले स्टोर से एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना होगा, एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पर की लॉगर डाल रखा है। आप की लॉगर जैसे यहाँ पर आप टाइप करते हो वैसे ही एक जो सबसे पहले यहाँ पर आप आइकन देख सकते हो शेडो। ओके फ्रेंड्स, तो आपको जैसे यहाँ पर इंस्टॉल करना पड़ेगा। चूँकि मैंने ऑलरेडी इस चीज़ को इंस्टॉल कर रखा है तो मैं जैसे जैसे यूज़ करके बताऊँगा, आप लोग इस चीज़ को इंस्टॉल कर लीजिएगा। ओके, इसे ओपन करते हैं। ओके फ्रेंड्स, जैसे आप देख रहे हो स्क्रीन पर कि मैंने इस शैडो की लॉगर को ओपन कर रखा है। ओके, तो यहाँ पर कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं लाइक एक्टिवेट शैडो, ऑथेंटिकेशन सेटिंग, व्यू लॉग, डिलीट लॉग। ठीक, तो यही कुछ ऑप्शंस हैं जो हमारे काम के हैं। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इस की लॉगर को हमें क्या करना पड़ेगा, एक्टिवेट करना पड़ेगा। एक्टिवेट करने के लिए कुछ ज़्यादा कुछ खास स्टेप्स नहीं है। जैसे आपको क्या करना है, एक्टिवेट शैडो पर आपको क्लिक करना है। नेक्स्ट क्या करना है, आपको प्रोसीड कर देना इस चीज़ को। उसके बाद जो नेक्स्ट विंडो ओपन होकर आ रही है उसमें क्या है कि सिंपल IME, ये जो आपका ऑप्शन है इसे आपको ऑन करना पड़ेगा। इसको आप ओके कर दीजिए, ये ऑन हो गया। और बाकी रिमेनिंग जितने भी आपके कीबोर्ड से उसे आपको ऑफ करना पड़ेगा। ओके, तो ये चीज़ एक्टिव हो चुकी है, तो फर्दर हम लोग अपने प्रीवियस जा सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग देख सकते हो आप कि यहाँ पर हम लोग अपने ऐप पर आ चुके हैं और आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये हमारा ऐप था वो अब एक्टिव हो चुका है। अच्छा, आपके आप साथ ही साथ क्या कर सकते हो, यहाँ पर ऑथेंटिकेशन यानी कि एक तरह का पासवर्ड आप यहाँ पर सेट कर सकते हो। लाइक मैंने यहाँ पर कर दिया है ABHI001। आप कुछ भी पासवर्ड यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। उसके बाद आप यहाँ से एग्ज़िट कर सकते हो। आप एग्ज़िट होने के बाद क्या है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि मैंने यहाँ पर एक ईमेल की विंडो ओपन कर रखी है जीमेल की। सो यहाँ पर मैंने टाइप करा, यहाँ पर वो ईमेल मांग रहा है तो मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया अभी @gmail.com। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट पासवर्ड वो मांग रहा है। सो मैं कुछ यहाँ पर पासवर्ड अपना ओरिजिनल पासवर्ड मैंने यहाँ पर नहीं फिल करूँगा, मैं जस्ट ऐसे ही पासवर्ड को ही फिल कर सकता हूँ लाइक दिस एंड नेक्स्ट कर दिया इस चीज़ को। अब नेक्स्ट करो चाहे ना करो, अब इससे हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं हम कि ये चीज़ रिकॉर्ड हुई है हमारे डेटाबेस में कि नहीं। ओके, सो फर्दर हम लोग यहाँ पर अपने सॉफ्टवेयर में जाएंगे, पासवर्ड मांगेगा ये BHI001। ओके, तो आप फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हो व्यू लॉग, आप यहाँ पर क्लिक करोगे, इसे ओपन करते हैं। अब ये देखिए सर, देख आप देख सकते हो कि यहाँ मैंने जो भी यहाँ पर ईमेल आईडी डाली हुई थी लाइक अभी उसके बाद @gmail.com, उसके बाद जो मैंने पासवर्ड यूज़ करता ABHI001 वो आपको दिख रहा होगा। उसके बाद जैसे मैंने शेडो के अंदर एंटर करने के लिए यहाँ पर ABHI.001 इस टाइप का जो भी पासवर्ड डाला था, ठीक है, वो सब नोट डाउन होकर आ चुका है यहाँ पर फ्रेंड्स। तो आप ऐसे देख सकते हो कि आपके कीबोर्ड में, आपके कीबोर्ड से आपके मोबाइल में जो भी एंट्रीज करी गई हैं वो सब यहाँ पर रिकॉर्ड होती रहती हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अगर आपको पसंद आई हो वीडियो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।